हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बात करने वाले हैं हम एले प्रो कंसील हाई डेफिनेशन कंसीलर। तो बेसिकली ये एक ऑरेंज कलर करेक्टर है। ये जो शेड है ये ऑरेंज शेड में मैंने चूज़ किया है। ये जो प्रोडक्ट है आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। जिसे भी देखो वो इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, इसको यूज़ कर रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए इस पर एक रिव्यू लेके आऊं और साथ ही साथ इस पर एक छोटा सा आपको डेमो भी दूं कि ये किस तरह से इसको यूज़ किया जाना चाहिए। तो ये एले प्रो गर्ल का कंसीलर है, मींस ये एक ऑरेंज कलर करेक्टर है, जिसकी कॉस्ट फ़िलहाल अभी नायका पे 595 चल रही है। तो मैंने नायका से ही इसको परचेज़ किया था। तो इसको ओपन करके देखते हैं किस तरह से ये दिखता है। तो इस तरह से ये है, ये कैप है इसकी, एंड ये इसमें एक जो एप्लीकेटर है ये ब्रश एप्लीकेटर है। ये एक स्मूथ सा ब्रश दिया हुआ है। इस तरह से अगर यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो है क्रीम बेस्ड है ये, थोड़ी मतलब ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा बहुत रनिंग कंसिस्टेंसी की है, एक मीडियम टाइप है। क्रीम बेस्ड फॉर्मूला पे है ये। और जो ये ऑरेंज करेक्टर क्या होता है ना, मैं आपको बताऊँ किस लिए यूज़ होता है। जिन किसी के भी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, फेस पे पिगमेंटेशन है, काली काली बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई है, या फिर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं नोज़ के आसपास, या फिर आपके माउथ के आसपास का जो एरिया है वो ब्लैक हो गया है, तो बेसिकली उस चीज़ को कवर करने के लिए ये जो प्रोडक्ट है वो बनाया गया है। हाई डेफिनेशन इसलिए है क्योंकि ये फ्लैशबैक नहीं होता। एंड इसको कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं ना कि उनको मतलब पता नहीं होता कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, और वो बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई कर लेते हैं और जो फिर रिज़ल्ट जो उनका निकल के आता है वो टोटली एकदम डिज़ास्टर जैसा हो जाता है। फिर वो कंप्लेन करते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये है वो है दिस एंड दैट। तो मैं आपको इसको यूज़ करने का करेक्ट जो तरीका है वो बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से यूज़ करना है, उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा इसका डेमो भी दूंगी कि ये किस तरह से यूज़ होता है। तो इस तरह से आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट ये निकल के आएगा। और जब भी आप ध्यान रखिए, अगर आप इसको अपने अंडर आइज़ पे या कहीं भी इसको फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत थोड़े अमाउंट में इसको लीजिएगा, क्योंकि जब आप अभी तो ये इतना दिख रहा है, लेकिन जब अगर इस आप इसको अप्लाई करेंगे ना इस तरह से डैब कर करके, तो ये बहुत ज़्यादा एरिए को कवर करता है। मीन्स देखिए मैंने कितना लिया था और ये इसने कितना ज़्यादा एरिया कवर किया है, क्योंकि ये कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी देता है। और देख सकते हैं आप कितना इसने एरिया कवर कर लिया, और ये बहुत पिगमेंटेड भी है, तो इसको केयरफुली यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना। और इसको इस तरह से अगर आपने अपने अंडर आइज़ पे अप्लाई किया है तो उसके ऊपर आप कोई भी लूज पाउडर इसको अप्लाई करना इसको लगाने के बाद, ताकि ये अपने जगह पे एक जगह टिका रहे। जब इसके ऊपर आप फाउंडेशन अप्लाई करें तो वो इधर उधर मूव ना हो, और ये जो ऑरेंज कलर करेक्टर है वो आपके फाउंडेशन में जाके मिक्स ना हो। तो जब भी आप इस ऑरेंज कलर करेक्टर को अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर कोई भी लूज़ पाउडर, अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर किसी भी ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर अप्लाई करना, इसको सेट करना, उसके बाद इसके ऊपर कोई भी फाउंडेशन अपना लगाना, जिससे कि ये एक जगह सेट रहेगा, ये मूव नहीं होगा और ना ही आपके फाउंडेशन में जाके मिक्स होगा। तो ये तो इसका तरीका है इसको यूज़ करने का। और चलिए मैं जल्दी से आपको इसका एक डेमो देती हूँ कि किस तरह से ये यूज़ किया जाना चाहिए एक प्रॉपर वे में। सबसे पहले अपने फिंगर्स की हेल्प से डैब डैब करते हुए थोड़े से प्रोडक्ट को अपने अंडर आई एरिया में फैला लें, और उसके बाद किसी भी वेट स्पंज या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उस प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर लें। उसके
उसके बाद किसी भी ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा लूज पाउडर लेके अपने अंडर आई एरिया पर, यानी उस प्रोडक्ट के ऊपर जो आपने अप्लाई किया है, उसको अच्छे से लगाएं, जिससे कि वो प्रोडक्ट सेट हो जाए। अगर आपके पास लूज पाउडर नहीं है तो आप कोई भी कॉम्पैक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करना, और जो सब्सक्राइब बटन होता है राइट हैंड साइड पे आपके, उसको प्रेस करना, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो मेरे चैनल को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।